बात उस मुसीबत की जिसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है और आप पर भी। यूएस टू यूरोप मंदी का प्रकोप और भारत की बारी कब है? यूक्रेन वॉर और महंगाई ने अमेरिका से लेकर यूरोपियन देशों को एक ऐसे आर्थिक संकट में फंसा दिया है जिससे बाहर निकलना अगले 3 सालों तक असंभव है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। अमेरिका के ऐसे ही एक फैसले ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। इस फैसले से अमेरिका और यूरोप के मंदी में आने की चपेट का खतरा बढ़ गया है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। कल फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। 14 साल में इतना हाई इंटरेस्ट रेट कभी नहीं था, जिससे आज पूरी दुनिया के शेयर बाजारों और करेंसी में भूचाल आ गया। पूरी दुनिया, भारत में भी। इस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के एक फैसले ने दुनिया भर के शेयर बाजारों और करेंसी मार्केट में हाहाकार मचा दिया है। 40 साल की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 5वीं बार इजाफा किया। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर 0.75% बढ़ा दी, जिससे अमेरिका में ब्याज दर 3.25% हो गई। इस फैसले ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर खतरे की तलवार लटका दी है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री 2008 जैसी मंदी आने की बात कहने लगे हैं। ऐसा कहने की कुछ ठोस वजहें हैं। ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर मजबूत हुआ है, ऐसे में विदेशी निवेशक दुनिया भर के बाजारों से पैसा निकालकर डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके आफ्टर इफेक्ट भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, जापान और चीन जैसे देशों की करेंसी पर दिखने लगे हैं। भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ब्रिटिश पाउंड की कीमत तो 37 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गई। जापान की करेंसी येन 24 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर और चीन की करेंसी 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। आर्थिक मामलों के जानकारों को इसकी आशंका पहले से थी, इसलिए ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर लगातार आगाह किया जा रहा था। यहां तक कहा गया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी मंदी को दावत दे सकती है। ब्याज दर बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मंदी के जो अनुमान दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट लगा रहे हैं, उसकी आशंका फेड रिजर्व को भी है। फेड रिजर्व का अनुमान है कि 2023 में अमेरिका की विकास दर 1.3% रह सकती है। विकास दर सुस्त होने के साथ अमेरिका में बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। 2023 में बेरोजगारी दर के 4.4% रहने का अनुमान है। ब्याज दरें बढ़ने का अर्थव्यवस्था की सुस्ती से क्या कनेक्शन है, इसे भी समझ लीजिए। ब्याज दरें बढ़ने से बाजार में लिक्विडिटी यानी पैसों की कमी हो जाती है। मार्केट में कम पैसा होने से विकास दर पर असर पड़ता है। विकास दर कम होने से बेरोजगारी बढ़ने का खतरा रहता है, इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। इससे अर्थव्यवस्था एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाती है जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात बन जाते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका और यूरोप के देश एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं, जहां एक तरफ महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के सुस्त होने का खतरा पैदा हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के केंद्रीय बैंकों को महंगाई पर नकेल कसने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं। देखिए, मोटी मोटी बात क्या है, अब आपको यह समझाना जरूरी है। कहा यह जाता है कि अगर अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुखाम हो जाता है, यह कहा जाता है। अगर अमेरिका में कोई भी मंदी आएगी तो वो पूरी दुनिया को हिट करेगी। आपके देश में पैसा अमेरिका से तो आता है ना, अगर वहां पर मंदी हो जाएगी तो फिर वो पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग कहां पर आएंगे?